हेलो गाइस, वेलकम टू दीजी मेडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड के अपडेट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो सबसे पहले रॉक ने कंफर्म कर दिया है कि ये कोई फास्ट एंड फ्यूरियस 9 नहीं है, क्योंकि इसकी अगली सीरीज 2020 में रिलीज होगी और देन ये इसी का ही एक पार्ट है। तो आप कंफ्यूजन ना हो। हॉप एंड सॉ में वंडर वुमन 3 में कंफर्म हो चुके हैं क्रिस। फाइनली उन्होंने विचार कंफर्म कर लिया अपना, क्योंकि वो काफी टाइम से सोच रहे थे, पर उन्होंने कंफर्म कर दिया कि मैं वंडर वुमन 3 में भी रिटर्न होऊंगा। तो काफी इंटरेस्टेड हो गया। देन उसके बाद जैकी चैन ने कंफर्म कर दिया है कि हम रश आवर 4 बनाएंगे और इस मूवी का काम अगले साल से स्टार्ट होगा, यानी कि 2020 से। तो जैकी चैन फाइनली रिटर्न होंगे रश आवर 4 में। उसके बाद बर्ड्स ऑफ पेरी डीसी की अपकमिंग मूवी, तो ये कोई मूवी आर रेटेड नहीं होगी। जी हाँ, ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि ये मूवी आर रेटेड नहीं होगी। आपको इसमें बिल्कुल एकदम क्लियर सीन देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद डिज्नी की एक और दमदार मूवी स्काई हाई, तो फाइनली कंफर्म हो चुका है इसका सेकंड पार्ट भी। उसके बाद मिस मार्वल का रोल इन फ्यूचर एमसीयू में कौन कर सकता है, तो ग्रिंडलवैल्ड फाइनली इस रोल के लिए काम कर सकती है, अभी हाल ही में जो रूमर्स आ रहे हैं। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होगा मार्वल फेज 4 में। उसके बाद आप सभी जानते हो कि वेनम 2 आ रही है, और वेनम 2 में मिशेल का कैरेक्टर एक और बार ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है और वो इस कैरेक्टर की दोबारा से रिटर्न होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।